अच्छे होते हैं बुरे लोग, अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छा होने का दिखावा तो नहीं करते। आज मैं एक दिल दहलाने वाली घटना का जिक्र कर रहा हूं, और ये घटना है ना आजकल आम हो गई है। आज मैं एक घटना के बारे में आपको बता रहा हूं, ये एक महाराष्ट्र की घटना है, जहां पर एक चलती बस में आग लग जाती है और उसी बस से एक आदमी जिंदा बाहर निकलता है, और उसी ने अपनी जबानी इस घटना को बताया। उस आदमी का नाम शशिकांत, गजबे की जुबानी ये कहानी है। वो इंसान कहता है कि पूरी बस आग से जल रही थी, मैं किसी तरह नीचे उस आग से बस से निकलने में कामयाब हो पाया, और मैंने बचाने की कोशिश की लोगों की, लेकिन आग की लपटें इतनी थी मैं बचा नहीं पाया। लेकिन मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए जब लोगों से फोन मांगा तो वो फोन उन्होंने मुझे नहीं दिया, और वो है ना इसकी क्या बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और कुछ लोग ऐसे कह रहे थे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो आज हम किस दुनिया में रह रहे हैं। अगर वो वीडियो ना बनाकर अगर फायर ब्रिगेड को टाइम से कॉल करते तो पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 25 यात्री उस बस में जिंदा जल गए थे। तो क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमें आजकल मैंने बहुत से ऐसे, हमारा जो मीडिया की रैंकिंग है ना वो वर्ल्ड में गिरती जा रही है। सबसे ज्यादा हमारा इंडिया का जो मीडिया है ना वो उसकी जो रैंकिंग है सबसे निचले स्तर पर है। कारण क्या है, यहाँ पर एक फौजी भाई भी है ना, उसको गोली लगी है तो मीडिया वाला जाकर पूछेगा आपको कितना दर्द हो रहा है, ना उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। और ये दिखावा है ना सभी लोगों के अंदर है। जब है मदर्स डे होता है ना, उस दिन सारा का सारा हमारा फोन है ना मोबाइल में माँ की फोटो से भर जाता है। अगर हमें माँ से इतना ही प्यार होता तो ये जगह जगह अनाथालय नहीं खुले होते। हमें माँ से प्यार नहीं है, हमें दिखावे से प्यार है। इंटरनेशनल योगा डे आया 21 जून को, सभी योगा करते हुए वीडियो डाल रहे थे। निजी लाइफ में शायद उन्होंने कभी योगा ही नहीं किया होगा। 23 मार्च आता है, शहीदी दिवस आता है, उस दिन हमारे फोन में सारा का सारा स्टेटस शहीद भगत सिंह से भर जाता है। तो 24 मार्च को हम भगत सिंह की फोटो क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हम क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। लोग केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, और वहां जाकर पूजा करने नहीं जाते, वो रील बनाने जाते हैं कि इस रील पर इंस्टा पे इतने फॉलोवर बढ़ेंगे, इतने व्यूज आएंगे। और अगर आप है ना बिना दिखावे के अपने मम्मी पापा की सेवा करते हो ना, तो वो ही केदारनाथ है या अमरनाथ जाने से कम नहीं होगा। और मैं नहीं कह रहा कि आप मत जाइए, आप जाइए, लेकिन सच्ची भावना लेकर वहां पर जाइए, तब परमपिता परमात्मा आपकी सुनेगा। और आजकल तो कुछ ऐसे दानवीर भी पैदा हो गए हैं जो मेडिकल में जाते हैं और एक केला लेते हुए किसी मरीज को एक केला देंगे और पीछे चार बंदे उसके फोटो खिंचवाएंगे। ये है दिखावे की दुनिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस दिखावे की दुनिया से हमें दूर रहना चाहिए। अगर जब तक आप दिखावा करते रहोगे ना, तब तक आप किसी की रियल में सहायता नहीं कर सकते, और जो रियल में सहायता करना चाहता है ना वो कभी दिखावा नहीं करेगा। ठीक है, बहुत से ऐसे दानवीर होते हैं जो दान करते हैं। दान का अर्थ होता है अगर इस हाथ से दान किया है ना तो इस हाथ को हमें पता भी नहीं चलना चाहिए। तो हमें इस दिखावे की दुनिया से दूर रहना चाहिए। अगर इन लोगों ने दिखावा ना किया होता, वीडियो ना बनाई होती, तो शायद ये 25 यात्री जिंदा ना जले होते। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए ना तो हमें दिखावा नहीं करना है, हमें जान बचानी है। अगर आपने किसी की जान बचा दी और आपको किसी ने शूट नहीं किया, तो एक परमपिता परमात्मा ने आपको शूट किया है, उनकी नजरों में देखा गया है कि इस इंसान ने उस फला इंसान की जान बचाई है, तो उसके दरबार में अगर आपकी ना फोटो आ गई ना तो आपको इन सोशल मीडिया की फोटो की कोई जरूरत है नहीं पड़ेगी। आगे से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कहीं भी ऐसी सिचुएशन परमात्मा ना करे आपके जीवन में आए, अगर ऐसी सिचुएशन आए ना तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है कि हमें किसी भी हाल में दिखावा नहीं करना है, हमें है ना रियल में मदद करनी है। अगर आप रियल में मदद करोगे ना तो परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि दिखावे करने वाले लोग हैं ना इस वीडियो से दूर रहें, और जो रियल में सेवा करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। धन्यवाद।